हेलो दोस्तों, मैं आप सबके स्वागत करता हूं आसान मेथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिक्सचर यानी मिश्रण के जो रिप्लेसमेंट वाले प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों के बिना एक्स माने शॉर्ट ट्रिक्स के मदद से मात्र कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है। और दोस्तों, ये वीडियो के आप लास्ट पर्यंत देखिएगा ताकि आपको इस तरह के प्रश्नों में बाद में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को और एक बार दोहराया जाता है तो कंटेनर में दूध की मात्रा कितनी बच जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स मान के सॉल्व करते हैं, जो कि ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों, हम आपको बिना एक्स माने मात्र एक फॉर्मूला से आपको कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कराएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र है दोस्तों ए इंटू वन माइनस बी अपॉन ए की पावर एन। अब समझने के प्रयास कीजिए, ए बराबर क्या है। ए बराबर दोस्तों होता है प्रारंभिक मात्रा, यानी दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा कितना है, 80 लीटर है, तो ए बराबर कितना होगा, 80 हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर बी है, तो बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है डाला या निकाला गया मात्रा। तो देखिए, गुना बी बराबर डाला और निकाला गया मात्रा कितना है, 8 लीटर है। तो 1 माइनस 8 और अपॉन में कितना है, ए है, तो ए बराबर कितना है, 80, यानी प्रारंभिक मात्रा 8 लीटर। अब देखिएगा एन, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है प्रक्रियाओं की संख्या, यानी ये प्रक्रिया कितना बार हो रहा है। तो देखिएगा, पहले ही ये प्रक्रिया एक बार हो चुका है, 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, यानी पहले एक बार हो चुका है। और कह रहा है कि यदि इस प्रक्रिया को और एक बार दोहराया जाता है तो कंटेनर में दूध की मात्रा कितनी बचेगी। तो पहले एक बार हो चुका है और एक बार दोहरा रहा है, यानी टोटल कितना बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इसीलिए एन के मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, सॉल्व करते हैं, 80 इंटू, यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, 80 को एलसीएम लेंगे तो बटे में 80 आएगा, और 80 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 80, और 80 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 72, यानी 72। और इसके पावर में क्या है दोस्तों, 2 है, यानी 2 बार है, तो गुना और एक बार लिख देंगे, 72 बटे 80। अब देखिएगा, 80 से 80 कट जाएगा, और इसको हम 8 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, 8 10 से 80 और 8 9 72। अब दोस्तों, ऊपर क्या है, 72 इंटू 9 है, और नीचे कितना बचा है, 10 बचा है, तो 72 को हम 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 2 18, हासिल आया 1, और 9 7 63 और 1 64, और बाटे में कितना है, 10 है। तो दोस्तों, बाटे में 10 है, 1 0 है, तो हम एक घर पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी 64.8 लीटर हमारा दूध बचेगा। तो देखिए, 64.8 लीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी इस तरह के प्रश्न है, तो देखते चलिए वीडियो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी मिलाया जाता है। यदि ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया है, तदनुसार बर्तन में दूध का शेष मात्रा कितना रह गया है। ये भी दोस्तों उसी टाइप के प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला किया था ए गुना 1 माइनस बी अपॉन ए की पावर किया था एन था, और ए के मान क्या था दोस्तों, ए क्या है, ए है प्रारंभिक मात्रा, यानी जो प्रारंभिक में मात्रा है दूध का, तो प्रारंभिक में कितना है, 100 लीटर है, तो ए बराबर 100 हो जाएगा। और बी क्या है दोस्तों, बी होता है डाला या निकाला गया मात्रा, तो देखिए कितना निकाल रहा है और डाल रहा है, 10 लीटर डाल रहा है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और एन क्या है, एन होता है दोस्तों प्रक्रियाओं की संख्या, तो देखिए कितना बार हो रहा है, और एक बार प्रश्न पढ़िए, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया, यानी एक बार हो गया है, और कह रहा है कि यदि प्रक्रिया
दो बार और दोहराई गई, यानी पहले एक बार हो गया है और दो बार दोहरा रहा है, तो टोटल कितना बार हो जाएगा? तीन बार, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर प्रारंभिक मात्रा कितना है, एक्स गुना वन माइनस बी बराबर कितना है, जो कि डाला निकाला गया मात्रा टेन है, बटे में ए बराबर कितना है सौ, और पावर में एन है तो एन बराबर कितना है तीन है, जो कि पहले एक बार हो गया है और प्रश्न में कह रहा है कि और दो बार दोहराया जाता है ये प्रक्रिया, तो तीन। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, देखिए सौ गुना, देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा सौ, और 100 के 1 से गुना करेंगे कितना होगा 100, और 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 90, यानी ऊपर में 90, और पावर में कितना है तीन है, यानी तीन बार ए है लिखेंगे, और दो बार लिखेंगे 90 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100। अब देखिएगा इधर 100 से 100 कट जाएगा, और दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, और ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो नौ गुना नौ गुना नौ, यानि नौ के क्यूब, नौ के क्यूब कितना होता है 729, और बटे में कितना है 10 है 10, तो हम क्या करेंगे एक घर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानि 729 72.9। तो देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा 72.9, तो 72.9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी ट्रिक से सॉल्व करिएगा, मात्र कुछ ही सेकेंड में आंसर आएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंटेनर में 50 लीटर शराब है, 5 लीटर शराब निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है, इस प्रक्रिया को और एक बार दोहराया गया, यानी पहले एक बार हो चुका है और कह रहा है कि और एक बार दोहराया गया, तो टोटल कितना हो गया एन बराबर टोटल दो हो गया। अब देखिए तो इस कंटेनर में शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा आता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और समझने के प्रयास कीजिए। हम यहाँ से दोस्तों एन बराबर निकाल चुके हैं, जो कि कितना है दो है, हम उसी फॉर्मूला से भी प्रश्नों के सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व होता है। तो एन बराबर कितना फाइंड किए हैं दो, अब दोस्तों हमें क्या करना है ए बराबर निकालना है, ए बराबर कितना है प्रारंभिक मात्रा, जो कि कितना है 50 लीटर, तो ए बराबर 50 हो जाएगा। अब क्या करना है अब दोस्तों बी बराबर निकालना है, बी क्या होता है दोस्तों प्रक्रिया सॉरी डाला और निकाला गया मात्रा, तो देखिए डाला और निकाला गया मात्रा कितना है 5 लीटर, जो कि 5 लीटर शराब निकाल कर और उतना ही पानी मिलाता है, इतना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों उसी फॉर्मूला में हम इस सारे मान को पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले उस फॉर्मूला को लिखते हैं, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए गुना वन माइनस बी अपॉन ए की पावर एन। अब देखिएगा ए बराबर कितना है 50, जो कि प्रारंभिक मात्रा होता है, वन माइनस बी बराबर कितना है, बी बराबर 5 है, जो कि दोस्तों क्या होता है डाला और निकाला गया मात्रा, तो 5 अपॉन ए बराबर कितना है 50 पावर एन, तो एन बराबर कितना है 2 है, जो कि प्रक्रियाओं की संख्या होता है, तो 2। अब इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा, देखिए 50 गुना यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना होगा 50, 50 को 1 से गुना करेंगे 50, और 50 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 45, तो 45 अपन 50, और पावर में कितना है 2 है, स्क्वायर है यानी 2 बार है, तो और एक बार गुना में लिखेंगे 45 अपन 50, और देखिए 50 से 50 कट जाएगा, और इसको काटेंगे 5 से, तो 5 नहीं 45 और 5 10 से 50, तो ऊपर कितना बचा 45 इंटू 9, और नीचे कितना बचा 10, तो 45 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा 9 5 45 का 5, और हासिल आया 4, और 9 4 36 36 और 4 कितना होगा 40, तो 40 अपॉन 10, यानी नीचे एक जीरो है तो हम एक घर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो कितना होगा 40.5
5। अब देखिएगा दोस्तों, शेष दूध की मात्रा कितना हुआ है, 40.5 लीटर। यानी दोस्तों ये सारे प्रक्रियाओं करने के बाद हमारा दूध कितना बचा है, 40.5 बचा है। और पूछ क्या रहा है, दूध और जल के अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर तो दोस्तों ये रिप्लेसमेंट के प्रश्न है, यानी जितना दूध निकलता है, सॉरी जितना शराब निकलता है उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पहले जितना था 50 लीटर उतना ही रहेगा। इसलिए हम यहाँ से पानी की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 से 40.5 को घटा देंगे। तो 50 से 40.5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9.5 होगा। तो हमारा पानी की मात्रा कितना है, 9.5 लीटर, और शराब की मात्रा कितना है, 40.5 लीटर। और इसी की क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो देखिएगा 40.5 अनुपात 9.5। एक घर के आगे क्या है, पॉइंट है, और इधर भी एक घर के आगे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। और इसको हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×8=44, और 5×1=5, और इसको काटेंगे तो ये जाएगा 19 बार में, यानी 81:19 क्या होगा दोस्तों, 81:19 शराब और जल का अनुपात होगा। तो देखिएगा 81:19 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आता है, तो आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शुद्ध दूध में भरे हुए किसी बर्तन में से 30% दूध को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया और 2 बार दोहराई जाती है, तो उस बर्तन में कितना प्रतिशत दूध बच जाता है। ये दोस्तों हमको इस प्रश्न में क्या, पहले प्रारंभिक मात्रा नहीं दिया है, यानी दोस्तों कोई मात्रा ही नहीं दिया है कि कितना दूध है या कितना पानी डाल रहा है या निकाल रहा है, ये दोस्तों कुछ नहीं दिया है। हमें क्या दिया है, परसेंटेज मान दिया है, और वो भी किसका दिया है दोस्तों, दूध का, सॉरी जो निकाल रहा है उसी को दिया है कि किसी बर्तन में शुद्ध दूध है उसमें से क्या कर रहा है, 30% दूध को निकाल रहा है। तो दोस्तों कोई बर्तन में अगर मान लेते हैं दूध है, भरा हुआ प्योर दूध है, तो वो दोस्तों क्या हुआ, अपने आप में 100% होता है। मिक्सचर के प्रश्न में कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो दूध 100% है, इसमें से क्या कर रहा है, 30% निकालता है दूध, और क्या करता है, 30% पानी डाल दिया जाता है। तो 100% में से 30% दूध निकालेगा तो बचेगा कितना, 70%। 70% दूध बचेगा, और 30% क्या हो जाएगा, उसके बदले में पानी डाल रहा है तो 30% पानी हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है कि दूध की मात्रा पूछ रहा है कि अंतिम में दूध कितना प्रतिशत है। तो 100% में से 30% दूध निकाल लिया तो बचेगा कितना, 70%। और इस 70% में से क्या कर रहा है, फिर वो 30% दूध निकाल रहा है। इस 70% से 30% निकालेगा तो फिर कितना बचेगा, 70% बचेगा। और दोस्तों और एक बार क्या कर रहा है कि 30% दूध निकाल रहा है, इस 70% में से 30% दूध निकाल रहा है। तो 70% में से 30% दूध निकाल रहा है तो कितना बचेगा, वो तो अपने आप में है 100% हो गया। अगर इसमें से 30% निकाल रहा है तो फिर 70% बचेगा। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। 70% के फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 70 और परसेंटेज के लिए अपॉन 100, उसी तरह इसको भी लिखेंगे, 70/100 गुना 70/100। अब दोस्तों क्या कह रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में कोई भी चीज़ें पूछे तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब देखिएगा, ए 100 से 100 कट गया, और यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो ऊपर में क्या बचा दोस्तों, 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 के
क्यूब। अच्छा तो 7 के क्यूब कितना होता है, 343, और नीचे में कितना बचा है, 10 बचा है, यानी 1 0। तो 1 0, तो हम एक घर छोड़ के क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो एक घर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे कितना होगा, 34.3% दोस्तों। क्या हुआ है, दूध बचा है। तो देखिए 34.3% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके होमवर्क के तौर पर है, यानी टेस्ट के तौर पर है, और दोस्तों इस ये प्रश्न इसी पैटर्न पर बेस है। तो इस प्रश्न के आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों इसी तरह के रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं, तो इस वीडियो के ज़रूर लाइक कीजिएगा। के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।